दिवाली टू एवरीबॉडी. यज्ञ और ये है एंजल मतलब प्रार्थना. सो आज दिवाली का दिन है, बस हम रेडी होने जा रहे हैं. तो हमने कहा यहाँ से हम सारी प्रिपरेशन आपको दिखाएंगे कि हम कैसे रेडी हो रहे हैं और कैसे लगने वाले हैं. सी यू. सबसे पहले मैं अपने बालों का क्या करूं, क्या कर सकते हैं? कर्ल्स करवा. मैं करूंगी इनके बाल. नहीं, नो, नेवर. सो हम लोग अभी रेडी होने जा रहे हैं. सी यू इन सम टाइम. पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ. ये मेरा दिवाली का लुक है. कैसी लग रही हो? लुक एट दिस किडो. रेडी होके पीछे जाओ, लहंगा दिखाओ अपना. मेरी सबसे छोटी नीस, हम इसे प्यार से आलू बोलते हैं. ये है एंजल का लुक. सो वी आर रेडी. सो हम लोग सेलिब्रेशन के लिए तैयार है. अभी यज्ञ रंगोली बनाने वाली है, राइट? सो यज्ञ रंगोली बनाएगी और मैं देखूंगी. ये दोनों रंगोली बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ. कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिया बनाए, ये फ्लावर मैंने अजीब सी रंगोली तैयार है और ये अपना व्हाइट ड्रेस खराब कर लेगी. और जैसे इसका व्हाइट ड्रेस खराब हुआ, इसकी मम्मी से बहुत डांटेगी और थप्पड़ भी मारेंगी, बहुत मारेंगी. क्या और मैं बोलूंगी क्या है, फिर वो बोलेंगी ऐसा बोलेगी. फ्लावर बन चुका है, इसका एक दिया बन चुका है और अब मैं बना रही हूँ एक डायनासोर. देखो कुछ तो वेस्ट मत करना, दो मिनट में डायनासोर बना रही हूँ. देखो हमारे घर में ना कुछ हो रहा है, लाइक कुछ तो बन रहा है, बट एग्जैक्टली क्या बन रहा है वो किसी को नहीं पता है. कोई कह रहा है कि दिया बन रहा है, कोई कह रहा है डायनासोर बन रहा है. दिवाली लिख रही हूँ मैं. मुझे तो लड़ाई होती नजर आ रही है. अरे इतना नादानी नहीं, देखो बहुत पीटना है. रंगोली बनाती तो नहीं आ सकता, नहीं क्या क्या बनाती की बनाती की कुछ भी कोई सेंस नहीं बन रही. टीडी मीडी यहाँ से क्या है, मैं बेहोश हो जाऊंगी इन लोगों के झगड़े में. तो मैं सॉर्ट करके वापस आती हूँ. वेटिंग फॉर माई सिस्टर टू गेट रेडी. वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है और मम्मी भी अभी तैयार होकर नहीं आई है. मैं सबसे पहले तैयार होकर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कम टाइम लेती हूँ तैयार होने में. मैं बहुत कम टाइम लेती हूँ तैयार होने में, ठीक है? लाल, मैंने बोला था कि मेरी बहन रेडी होने में बहुत टाइम लगाती है. वेट. 2000 years later. तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो खुश था वो तो गया. ये मेरी बड़ी दीदी है जिसने तैयार होने में 2 साल लगा रही है. 10 घंटे लगा दिए. चार घंटे लिए. इनका नाम है लवलीन चावला, लेकिन मैं इन्हें प्यार से ललन बुलाती हूँ. अभी मेरा भाई फ्रेम में नहीं आएगा, बिकॉज अभी तक रात के 8 बजे तक ये दिवाली के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसका कुर्ता नहीं आया. हर बार लेट होता है, हमें हर बार इसके लिए वेट करना पड़ता है, पिक्चर्स के लिए, फोटोज के लिए, पूजा के लिए. अगर मैं पूजा के लिए जल्दी तैयार हो जाऊंगा तो पूजा कैसे तैयार होगी? अरे कहना क्या चाहते हो? तो माय मदर. मम्मी थोड़ी सी कैमरा शाय है. ये हमेशा आपसे ऐसे ही मिलेगा, ये ऐसे ही मिलेगा. ये ऐसे ही एंट्री करता है, क्या करे. That's my nephew. अब सबसे हैंडसम, गुड लुकिंग, मतलब डैशिंग पर्सनैलिटी मेरा भाई. रुको आजा. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. इसने मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज इंडियन पहना, और इसने पहली बार इंडियन पहना है दिवाली के लिए. ये कभी नहीं पहनता, और मेरा नेफ्यू भी. ये दोनों मुझे पका दिया इन लोगों ने, लेकिन मेरे कहने पर इंडियन पहना है. और कितना गुड लुकिंग लग रहा है, लुक एट हिम. आहा, अब हम पूजा करेंगे. Oh,
मैं, मेरी एंजी पेंजी और मम्मी, और हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे मंदिर सब जगह पर दिए जलाने के लिए। और चलो दिखाते हैं हमारे यहाँ की दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है। यहाँ गुरुद्वारे जाने से पहले इसको पटाखे, इसका यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही है। हमने सिर्फ एक फुलझड़ी जलाई है, मजा तो अभी तक हमने, हाँ अभी तक हमने ज्यादा पटाखे नहीं जलाए, बिकॉज आई प्रेफर नो क्रैकर्स। इंट्रोड्यूस नहीं करा है जीजू, हैप्पी दिवाली। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैं तैयार हुई थी तो मैं कैसी दिख रही थी, अब मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरी हालत हो गई है खराब। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मैं जल्दी से आपको मिलेंगे दूसरे व्लॉग में और कुछ इंटरेस्टिंग खाना, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए क्या करना है, अरे यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। लव एंड पीस।